यीशु की दुल्हन बनने के लिए तैयार है? आवाज थोड़ी कम है क्या? क्या आप यीशु की दुल्हन बनने के लिए तैयार हो? यदि तैयार है तो सब्बत के दिन को पवित्र करके जाने, यदि तैयार है तो अपनी इच्छा को पूरी ना करें, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंप दें, अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में सौंप दें कि परमेश्वर मेरी नहीं लेकिन प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। और प्रभु की इच्छा यही है कि आप स्वर्ग में जाएं। परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए तो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे आए, तभी तो उन्होंने क्रूस उठाया, तभी तो उन्होंने आपके लिए लहू को बहा दिया। आपके सामने दो चीजें रखी गई हैं, या तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो या फिर आप अपनी इच्छा को पूरा करते रहें, अपने आप को और ज्यादा तैयार करें। और वो अत्याचारी, वो दुश्मन जालम आपको नरक की आग में ले जाएगा। अपने जीवनों की ओर ध्यान दें, अपने हृदय को, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से मैच करें। शीशे के सामने जैसे खड़े होके देख लेते हैं कि यहाँ दाग है, यहाँ दाग है, अगर कुछ हो जाता है, कुछ यहाँ पे कालसी लग जाए मान लो, तो शीशे में मैं देखूंगी, मैं क्या करूँगी? लगा रहने दूंगी कि लोग देखते रहें? उस दाग को लेकर इधर उधर जाऊंगी? क्या करूंगी मैं? तो आप क्या करोगे? हाँ, मेरे वरी तो कह रहे तुम, आप तो कर लो साहब, और हमारे वरी में आवाज कम निकल रही है। आप क्या करोगे? आप भी साफ करोगे। ये शीशा है परमेश्वर का वचन, इसमें अपने जीवनों को झांकिए, देखिए कि आज की डेट में, मैं कल की बात नहीं कर रही, आज ही देख लो अपने अपने जीवन में, सब देखें अपने अपने जीवन में कि क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, क्या आपके जीवन में कहाँ कहाँ दाग धब्बे लगे हैं, उस दाग धब्बों को यीशु के लहू के द्वारा मिटा दीजिए। यीशु का लहू सामर्थी है, काफी है आपके जीवन के बदलने के लिए। उधार उतर आएगा, शांति उतर आएगी, सुख उतर आएगा, फिर पति पत्नी के अंदर लड़ाई भी नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने। विश्राम दिन को पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, और यदि तू सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले। सबसे ज्यादा अहमियत परमेश्वर के घर को देनी है, परमेश्वर की इबादत को देनी, परमेश्वर के वचन को देनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू उसका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर के भवन में आती थी तो वो डरते और कांपते हुए परमेश्वर के सामने थरथराते हुए जाते थे। आज क्या हो रहा है? कहां गया वो डर? कहां है थरथराना? अगर आप आज की डेट में थरथराए परमेश्वर से, यदि आज की डेट में आप डरे और डरते और कांपते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो कल न्याय के समय आपको थरथराना नहीं पड़ेगा। तब आप हिजाब के साथ मसीह यीशु के सिंहासन के साथ वाले सिंहासन पर बैठ जाओगे। और वहां पर अगर थरथराना पड़ा न्याय के दिन तो वो बहुत बुरा होगा। फिर सारी जिंदगी अनंत काल में आप थरथराते, चीखे मारते और डरते कांपते ही रहोगे। और ना वो आग सदा काल की है, जो कभी वो सदा काल किया गया और वो कभी बुझने वाली नहीं है। इसलिए अच्छा है आज के समय में, आज के दिन से थरथराना शुरू करें। वो राजाओं का राजा है, उसके प्यार 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 और की ध्यान
ही ना दे, उसके न्याय के दिन की ओर भी ध्यान दे, जब वो लोहे का डंडा उठा के आपके पास पहुंचेगा, उस दिन क्या करोगे? सच्चा पश्चाताप कर लीजिए, पवित्रता ही का जीवन बताइए, उसके भवन में डरते और कांपते रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे, तो परमेश्वर आपके जीवन को सफलता में बदल देगा। अपनी ही इच्छा को पूरा ना करें, परमेश्वर की इच्छा को। सब कुछ जो चेले लोग थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे हो लेते, क्या उन्हें किसी चीज की घटी रही? ना उस समय में घटी रही और ना उनको ऊपर जाके कुछ घटी रहेगी। आमीन। और यहोवा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सदा एक सा है और सबसे एक जैसा प्रेम करते हैं। जो चीजें परमेश्वर ने अपने चेलों के लिए रखी, जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को जो आशीषें दी, इसहाक को दी, याकूब को दी, उन आशीषों के वारिस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है। उस आशीषों को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो मार्ग यीशु है। उस मार्ग पे चले, ध्यान दीजिए यीशु की ओर। नेक्स्ट लिखा है, अपनी इच्छा पूरी ना करें और अपनी ही बातें ना बोलें। इसके बारे में तो आप सबको पता है होगा कि आप अपने हालातों के अंदर, जब हालात ऐसे हो जाते हैं, आप अपने लिए क्या क्या बातें करते हैं, कैसे आप मिस कर जाते हो चर्च, कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते हो, क्या क्या आप उस समय बोलते हो। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी ही बातें ना बोलें, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर की बातों को बोलें। जरूरी है चर्चाना, क्योंकि सब्बत के दिन मसीह यीशु भी आराधनालय में जाते थे। सब्बत के दिन ही यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया है। सब्बत के दिन ही सबसे पहली दुष्ट आत्मा को निकाला गया। सब्बत के दिन ही मसीह यीशु वहां पर प्रचार करते आराधनालय में। जब मसीह यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु सब्बत के दिन चर्च अटेंड कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? हमें भी करना है। हमारे इंडिया के अंदर तो सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, इसलिए इतवार को ही चर्च लगता है। पर कई कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जहाँ पर मंडे छुट्टी होती है, या सैटरडे छुट्टी होती है, या थर्सडे या फ्राइडे, किसी भी दिन छुट्टी होती है। मेन है कि परमेश्वर के दिनों को पवित्र करके जाने, परमेश्वर के वचन को माने, अपनी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। कहीं जाने से आप सुखी नहीं होगे, जाकर आप बसों पे पैसा खर्च करके आओगे तो सुखी नहीं होगे। कहां से सुख प्राप्त होएगा? परमेश्वर के वचनों को मानने में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से। परमेश्वर ही सुख का, सारे सुख का मूल तो परमेश्वर ही है। उसी के करीब आ जाए, सुख उतर आ जाएगा। आपके परिवार के अंदर सुख आ जाएगा, आपका परिवार सुखी हो जाएगा। परमेश्वर की ओर से सुख प्राप्त होएगा। आपको अपना मोबाइल सुख प्राप्त सुख नहीं दे सकता, आपको आपका नेट सुख नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर आपको सुख दे सकते हैं। मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। ये परमेश्वर के मुख का वचन निकला, लिखा भी हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। किसी मनुष्य के मुख के
शब्दों की बात नहीं कर रही कि सुख आपको कहां से प्राप्त होएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख के शब्दों से ही आपको सुख प्राप्त होएगा। यह परमेश्वर का वादा है, उसके वचनों की पालना करें। अपने परिवार को अहमियत दीजिए। कहीं भी कुछ गड़बड़ लगती है, आप बैठकर एक दूसरे को समझा सकते हैं और फिर समझें। ये नहीं है कि पत्नी ने जो बताया या पति ने कोई बात बताई, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमारे परिवार के अंदर, और उसको 100 मीटर लंबा कर लें उस बात को, उसको शॉर्टकट में उसका हल देखें, समस्या का हल देखें। बात को बढ़ाएं ना, जितना आप बात को बढ़ाएंगे उतना ही कलेश आपके घर में। प्रॉब्लम को खत्म करें, प्रॉब्लम का हल देखें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उस प्रॉब्लम को खत्म कर दीजिए। अपने परिवार में सुख को बनाए रखिए। परमेश्वर की आराधना करें। जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति ऑटोमेटिकली आप पर उतर आएगी। परिवार के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा परिवार शब्द से जो नफरत करता है वह शैतान नफरत करता है। और शैतान की सबसे जो बड़ा हथियार है वो यही है कि आपके परिवारों को तोड़ दे, आपके परिवार के अंदर फूट को डाले। सबसे बड़ा हथियार शैतान का। क्योंकि वचन में लिखा है कि यहां 2 या 3 मिलके मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। किसी को वचन नहीं आता क्या? यहां 2 या 3 मिलके मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर। मैं फिर से बोलती, यहां 2 या 3 मिलके मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। शैतान 2 की सामर्थ को जानता है। 1 होएगा तो ताकत कम होगी, जब 2 होएंगे तो ताकत बढ़ेगी कि कम होएगी? बढ़ेगी। शैतान यही नहीं चाहता कि पति पत्नी इकट्ठे हो जाएं, जब ये दोनों इकट्ठे हो गए और इनकी ताकत बढ़ जाएगी। शैतान यही नहीं चाहता कि पति पत्नी इकट्ठे रहे। शैतान की योजना है परिवार के अंदर फूट डालनी। शैतान की योजना है परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करना। शैतान को पता है कि जब ये 2 इकट्ठे हो गए तो इनका सामर्थ्य बढ़ जाएगा। अगर इनके बच्चे भी इनके साथ इकट्ठे हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर भी है, क्योंकि वचन में लिखा जहां 2 या 3 मिलके मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो उनके बीच में मैं हाजिर हूं। आप पति पत्नी अपने बच्चे मिलके रहें, और जब 2 से बढ़कर 3 इकट्ठे होंगे तो उतनी ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बढ़ेगी। हम यहाँ पर बहुत से इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर परमेश्वर की बहुत बड़ी उपस्थिति भी है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके परिवार के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए। इसीलिए पत्नी को पति के खिलाफ और पति को पत्नी के खिलाफ शैतान भड़काता है। किसके द्वारा आएगा शैतान? लोगों के जरिए, दोस्तों के जरिए, सहेलियों के जरिए, और एक दूसरे की बुराई करेंगे। सारी बातों को छोड़ना है, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करना। यहां 2 या 3 मिलके मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। जब मसीह यीशु, आजकल परिवार के अंदर कितने लोग होते हैं? 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 3 होते हैं, और 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। और परमेश्वर
पूरा परिवार का परमेश्वर नहीं चाहता उनके अंदर एक शैतान नहीं चाहता उस परिवार के अंदर एकता पाई जाए, क्योंकि शैतान अच्छे से जानता है कि जब कहीं भी यहाँ पर ये लोग दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हो गए, परमेश्वर को पता है कि वहीं परमेश्वर आ जाएंगे। पर शैतान को पता है इस बात का कि जब कहीं ये इकट्ठे हो गए परमेश्वर इनके बीच में उपस्थित हो जाएगा, परमेश्वर इनके साथ साथ चलेगा, परमेश्वर इनकी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर इनको चंगा कर देगा, परमेश्वर इनके हालातों को बदल देगा। शैतान नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आपके परिवार के अंदर पति पत्नी इकट्ठे रहे, वो दो जने मिलके रहे। परमेश्वर चाहते हैं पति पत्नी और उनके बच्चे भी उनके संग में रहे, पूरा परिवार इकट्ठा रहे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि जब दो या तीन ये इकट्ठे होंगे तो मैं इनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा और मैं इनके हालातों को बदल दूंगा, मैं इनके जीवन को नया कर दूंगा, मैं इनको चंगा कर दूंगा, मैं इनको मार्ग को दिखाऊंगा, मैं इनके हालातों को बदल के रख दूंगा। इसलिए दो या तीन का इकट्ठा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने परिवार के अंदर मेल मिलाप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार पत्नी चुप हो जाए और कई बार पति चुप हो जाए, ये नहीं है कि पत्नी चुप ही रहे, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ आपको बताना है बिठाओ आराम से बात कर सकते हो, पर बात का पतंगड़ नहीं बनाना, बात को बढ़ाना नहीं, बात का हल ढूंढना, सल्यूशन निकालना है। बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती फैमिली के अंदर, ये नहीं है कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना, ठीक है जी अलग अलग रहने लगे, ये नहीं करना। पति और पत्नी को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि वो अलग अलग रहें, पति और पत्नी को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो इकट्ठे रहें। परमेश्वर का वचन कहता आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, पति पत्नी के साथ रहे, पति पत्नी के साथ रहे। दुआ करें अपने आदमियों के लिए, अपने पतियों के लिए दुआ करें जो नहीं बदले हैं, आराधना करें, विश्वास रखें, अंगीकार करें, परमेश्वर एक दिन आपके पति को इसी चर्च में लेकर आएगा। अगर आपके बच्चे नहीं बदले तो बदलेंगे, विश्वास रखें अपनी परमेश्वर, आप परमेश्वर के नजरिए से क्यों नहीं देखते अपने बच्चों को, आप अपने पति के परमेश्वर के नजरिए से क्यों नहीं देखते, आप अपनी इन आंखों से देखते हैं, हाँ भाई मेरा पति लगा हुआ व्हाट्सएप पे, मेरा पति लगा हुआ ये काम करने, मेरा पति प्रभु में नहीं आया अभी तक, परमेश्वर को नहीं जानता, वो दारू वाली हालात दारू वाले सीन को याद क्यों याद रखा हुआ 24 घंटे अपने मन के अंदर। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यदि आप कहते हैं कि मेरा बेटा बदल जाए, मेरा बेटी बदल जाए, मेरी बहन बदल जाए, वो आपके सामने गेम खेलता खेलने दो, आपका आप उन आँखों से देखिए कि आपका बच्चा गेम खेल ही नहीं रहा। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके कन्फेस के द्वारा, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा उस बच्चे के जीवन को बदल देगा, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके हस्बैंड को बदल देंगे और इसी चर्च में आप खड़े होकर गवाही देंगे। आमीन।